तो जी अखिलेश जी का ये एक पार्टी के साथ गठबंधन करके उसका अनाउंसमेंट कर देना आत्मविश्वास दिखाता है क्या? अखिलेश ने लीड वाकई ले ली है विनोद जी, या फिर जैसे मैंने कहा माइंड गेम खेल रहे हैं वो कांग्रेस के साथ भी? देखिए मानव जी, एक नियम है इम्तिहान का कि सरल सवाल पहले हल किए जाते हैं, आसान प्रश्न पहले हल करिए, कठिन प्रश्न उसके बाद। अगर कठिन प्रश्न उलझ गए तो आसान सवाल छूट जाएंगे और टाइम निकल जाएंगे। तो अखिलेश जी ने वही किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रकृति है, जो डीएनए है, पॉलिटिकल डीएनए, वो एक है। दोनों पार्टियों की वैचारिक जो विचारधारा है वो चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का समन्वय है। अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन दोनों एक परिवार की पार्टियां हैं। और जो आधार क्षेत्र की बात है तो इसका आधार, राष्ट्रीय लोकदल का आधार सीमित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, और समाजवादी पार्टी का उन हिस्सों में आधार उतना मजबूत नहीं है जितना दूसरे क्षेत्रों में है। इसलिए यहाँ गठबंधन आसानी से हो गया, कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। 7 सीटों की बात हुई और 7 सीटें अखिलेश जी ने उनको दे दी। अब कौन कौन सी सीटें दी है इसका खुलासा भी नहीं किया है, वो भी समय पर आ जाएगा। कांग्रेस के साथ थोड़ा मामला इसलिए कठिन सवाल है क्योंकि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है, भले ही उसका वोट परसेंटेज बहुत कम हो आज की तारीख में, लेकिन उसका प्रभाव या असर पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसके नेता कार्यकर्ता मौजूद है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, बुंदेलखंड में भी, और मध्य उत्तर प्रदेश में। इसलिए कांग्रेस का दावा इन सभी क्षेत्रों की सीटों पर है। अभी हनुमाचार्य जी कह रही थी 2009 में हमने 21 सीटें जीती थी। हनुमान जी अपने नेताओं को सही कर लीजिए, आप लोगों ने 22 सीटें जीती थी, 1 सीट आपने उपचुनाव में भी जीती थी राजगब्बर की, तो जब संख्या बताएं तो 22 बताया करें, 1 सीट कम मत क्या करें, तो क्योंकि अगर दावा कर रहे हैं। लेकिन 2009 और 2024 के बीच में गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। 2009 में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी, कांग्रेस का एक अलग प्रभाव था, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी 21+1 22 सीटें जीत सकती। लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती, 2019 में 1 सीटें जीती, तो जाहिर है। और 2000 विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो 2022 में कांग्रेस पार्टी 2 विधायकों पर पहुंची, तो जाहिर है जब सीटों का बंटवारा होगा, जब गठबंधन होगा, इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाएगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का वोट परसेंटेज 37% के आसपास पहुंच गया, कांग्रेस का घटके 2.5% पे आ गया। तो ये सारी चीजें हमेशा बातचीत होती है, इसीलिए कांग्रेस के साथ जो गठबंधन होगा उसमें समय लग रहा है। मेरी जानकारी जो है, मेरी जो सूचना है सूत्रों से है कि 28 सीटों की सूची कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दी है जहां वो लड़ सकती है। बदले में अखिलेश जी ने कहा है कि मुझे उन उम्मीदवारों के नाम बताइए जो इन सीटों पर लड़के जीत सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं तो ठीक है, इस पर बैठ के बात करते हैं। तो अभी यही सब मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में 2 या 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, और शायद अगले दौर की जब बातचीत होगी तो उनके बीच में भी सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले लेगा। और जो शहरी सीटें हैं, खासकर जैसे कानपुर की सीट है जहां कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में नंबर 2 पे थी, ऐसी कुछ सीटें हैं जिन पर दावा कांग्रेस पे मजबूत है, वो सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस अब चाहे जैसे 9 सीट है, अब 9 सीट पे 2009 में अनु टंडन जीती थी, आज अनु टंडन समाजवादी पार्टी में, सुनील साधन उसी जिले से आते हैं, मैं भी उसी जिले का, मेरा भी ताल्लुक है। तो ऐसे में अब अगर कांग्रेस 9 सीट मांगेगी तो कैसे उसको मिल जाएगी? जाहिर अनु टंडन जो जीत के आई थी वो भी समाजवादी पार्टी में है, और 2019 में भी समाजवादी पार्टी वहां नंबर 2 पे थी, अनु टंडन ही लड़ी चुनाव। तो कुल मिला करके 2019 में शायद कांग्रेस लड़ी थी ये, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां उसका दावा है। तो इस तरह कई सीटें ऐसी हैं जहां मामला अभी डिस्कशन में है। लेकिन मेरी जो मेरा अनुमान है, विश्लेषण है, कि उत्तर प्रदेश में चूंकि बीएसपी ने अपने वाला कर लिया तो सीटों को लेकर ज्यादा मारी होगी नहीं। अगर बीएसपी होती तो निश्चित रूप से बीएसपी को एक बड़ा चंक चाहिए था सीटों का, तब सीटों को लेकर ज्यादा रस्साकसी होती। लेकिन बीएसपी के ना होने से अब 73 सीटों पर बातचीत हो रही है, 7 सीटें लोकदल को जा चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई एक एमिकेबल सोल्यूशन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में निकल आएगा, और संभवतः कांग्रेस पार्टी 28 तो नहीं लेकिन 15 से 20 सीट के बीच में कोई नंबर, कोई फिगर ऐसी हो जो अखिलेश जी तैयार हो जाए। वैसे एक चीज बता दूं मैं, अखिलेश जी ने दोनों बार कांग्रेस पार्टी को हमेशा उदारता से सीटें दी। 2017 में उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दी, इसी तरह 2019 में बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने काफी सीटें दी। तो सीटों के मामले में अभी तक अखिलेश जी का रिकॉर्ड अपने सहयोगी दलों के साथ बंटवारे में ठीक रहा है। अभी 7 सीटें थी उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को,
तो कम से कम मैं ये मानता हूं अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के भीतर कोई पेच न फंसे इसके लिए बहुत अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे, लेकिन कांग्रेस को भी बुनियाद अपना आधार देना पड़ेगा कि आप जो सीट मांग रहे हैं वहां लड़ जीतना तो दूर है, लड़ाई लड़ सकते कि नहीं लड़ सकते, जीतने की बात उसके बाद आती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर बातचीत होगी, उसके बाद कुछ होगा। हाँ एक बात जरूर है कि अखिलेश जी ने ये राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके कम से कम कांग्रेस पर भी दबाव बनाया है, इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों पर भी दबाव बनाया है कि भाई आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना फाइनल करिए और चुनाव के लिए हम लोग मैदान में उतरे। बिल्कुल, अब इसीलिए